आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी ऐसी हालत क्यों, क्योंकि मैंने पी रखी ये खबर सुन के कि ओरमांझी में रेप हुआ, यानी कि एक और निर्भया का मेरी छोटकी मेरी छोटकी के साथ भी यही हुआ था। वो निर्भया तो याद होगा ना आपको, उस समय क्या था, सोलह दिसंबर 2012, जब पूरा देश एकजुट हुआ था किसके लिए, न्याय के लिए। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ, इंसाफ मिला नहीं मिला? नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अनुसार अगले साल 2013 में 33,707 नए केस आए, 2014 में 36,735 केस आए, 2015 में 34,651 केस आए, और 2015 में 38,937 केस आए, जिसमें छह महीने की बच्ची थी, अरे जिसे खिलाते हम लोग। कुछ ऐसे भी केस थे जो शर्म और डर के कारण रजिस्टर ही नहीं हुए। वो रेपिस्ट क्या समझते हैं कि वो ऐसा करेंगे और बच जाएंगे, वो कोर्ट जाएंगे, जेल जाएंगे और कुछ सब बात छूट जाएंगे? वो सही सोचते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश ही ऐसा है। अरे कल को आपकी बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर 6 महीने की बच्ची के साथ हो सकता है तो आपकी बच्ची के साथ क्यों नहीं हो सकता है? क्यों गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, मन कर रहा होगा कि फोड़ दूं साले को? लेकिन एक बार उस बाप के बारे में भी सोचिए जिसकी बेटी के साथ ये हुआ है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं आपको जगा दूंगा, कल आप फिर सो जाएंगे, फिर वही पुराना नींद। अच्छा।